दोनों मेरे प्यारे हो ना, इसलिए दोनों को एक साथ खिलाऊंगी। ठीक है, ले खा खा खा। अच्छा टेस्ट। थैंक यू। अब बताओ मेरे बनाओ क्या क्या था। कुछ नहीं अरे इतना मन कर रहा, फिर जो मलाई रखा है मलाई लगा दो। ये क्या तोड़े तुम लोग? देखो मैंने घर से केक बनाया ताकि मैं ठंडी में बच जाऊं, क्रीम ना लगे, फिर भी ये लोग मेरे को कैसे करके केक तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं, बताओ। वाह वाह वाह। अरे घर पे सही में आलू डाल देना केक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, और इतना सुबह सुबह मैं कभी उठती नहीं हूँ, लेकिन आज उठ गई हूँ। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठी हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के मंदिर जाऊँगी, पूजा करूँगी। आज मेरा डे है, आज का दिन सिर्फ मेरे लिए है, और मैं आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रखना चाहती हूँ, खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं जो है अभी अंदर आ गई हूँ बाहर का नज़ारा देख के, और बाहर में कितना कोहरा था, और मिलती हूँ फिर रेडी होके। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हो कि मैं नहा धो के सारा काम भी कर लिया, मैं उसके बाद रेडी हो गई हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैंने ऊपर से एक कोट भी डाल लिया, तो क्योंकि बाहर जाना है, मंदिर जाना है, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसके चलते मुझे ये पहनना पड़ा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मैं अभी ये मोटा है तो इसको मैंने पहन लिया, और मैंने पिंक पिंक नेल पेंट भी लगा लिया, लिपस्टिक भी लगा लिया, मतलब पर्पल पर्पल। और ये है हमारा फ्लावर जो मैं अभी गोपू जी का पूजा करने वाली हूँ, इसलिए हमारा फ्लावर और स्वीट सब आ चुका है। और फाइनली मैं गोपू जी का पूजा आज बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मेरे गोपू जी को मैं चाहती हूँ आज बहुत अच्छे से नहलाना चाहती हूँ, और उनका भी बहुत अच्छे से पूजा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं सुबह सुबह आज गुलाब के पंखड़ियों से मेरे गोपू जी को सुंदर तरीके से स्नान करा रही हूँ। मेरा बड़ा गोपू जी है, पहले मैं इनको स्नान करा के इनका वस्त्र वस्त्र पहना के फिर उनका, उसके बाद में छोटू गोपू जी को मैं नहला रही हूँ। और कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों जने, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी जब वस्त्र वगैरह पहन लेंगे तब और भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे ये दोनों, बहुत ही सोना सोना है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो लोग मुझे बर्थडे में मुझे विश करना, मुझे कमेंट करके हैप्पी बर्थडे बोलना सब लोग। और देखो फाइनली मेरा पूजा जो है हो चुका है, आप लोग भी भगवान जी का आरती ले लो। और देखो मैंने कितने सुंदर करके सजाया, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आज बहुत सुबह सुबह उठी हूँ, नहाई धोई हूँ, और पूजा पाठ किया, सब काम भी मेरा हो गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे भगवान जी का इतना सुंदर करके मैं सजाया हूँ ना, तो इसके साथ में एक वीडियो क्लिप लेने का बहुत मन कर रहा था। और प्रभु जी से मैं आशीर्वाद भी ले रही हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फाइनली अभी जो मैं मंदिर के लिए रवाना हो चुकी हूँ, और अभी मेरे रियो के बाहर में आ गई हूँ। बाहर में अभी भी कोहरा कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और तब मैंने का ब्लैक वाला पहनी हुई थी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मोटू मोटू सी लग रही थी मैं। अगर मैं थोड़ी सी मोटू हूँ क्या? नहीं, मैं तो मोटू नहीं हूँ, लेकिन वो कपड़ा मेरे को मोटू कर दिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फाइनली मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, तो मैं चौखट में आके पहले थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, उसके बाद मेरा पूजा भी हो गया, फाइनली पूजा हो गया। क्योंकि मैं अकेले हूँ, कोई वीडियो करने का था नहीं, इसलिए मैं क्या क्या पूजा किया कुछ हुआ नहीं, तो मैं दिखा नहीं पाई, पूजा वूजा हो गया, मैं फाइनली घर। सो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा बंगाली डिश जो कि जन्मदिन पे बर्थडे पे बनता है, सो डिलीशियस, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये हमारा खीर, इसको बोलते हैं पायस,
और ये मस्ट होता है हमारे जो जन्मदिन या बर्थडे होता है उसमें ये बनाया जाता है। ये आज मैंने बनाया है इसको गुड़ से, जैगरी से। इसमें शुगर मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा बर्थडे है और हम लेडीज़ लोगों को, मतलब फीमेल को, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और जैगरी में बहुत सारा आयरन होता है, जिसके चलते हमने ये जैगरी वाला खीर बनाया है। वाओ, बस इसको जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आप लोग भी बनाना, कौन मतलब बताना कौन कौन ऐसे जैगरी वाला खीर बनाते हो और कैसा लगता है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिश है, उसके बाद में और क्या क्या बना है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो ये सेकंड डिश है, तो ये अंग्रेजों वाला सेलिब्रेटिंग वाला जो होता है ना केक, ये है हमारा केक। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो मैं जो है रेडी हो गई हूँ मेरे बच्चे के लिए, और मैंने खुशबू को भी मैसेज कर दिया कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद में वो लोग आएगा तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ उस रूम पे कि थोड़ा सा मैंने जो सजाया सजाया है वो दिखाती हूँ। ऐसे मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस थोड़ा सा जो भी की हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। ये ड्रेस इस तरीके का है और ये भी मैंने मीशो से लिया था, और ये जो सेट आप लोग देख रहे हो मैंने कल भी पहन के रील्स बनाई थी, और ये वाला सेट मुझे खुशबू ने दिया था लास्ट ईयर को मेरे बर्थडे पे, उसने लास्ट ईयर को दिया था। और इस एक साल के, पूरे एक साल के बाद में मैंने कल पहली बार डाला था इसको, और आज फिर से मैंने यही वाला इसके साथ चल रहा था तो मैंने इसको पहन लिया। ये वाला खुशबू ने दिया था मेरे इस ड्रेस के साथ में। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा है मेरा गेटअप। ठीक है, और ये वाला बैंगल्स भी मैंने मीशो से लिया था तो मैंने पहन लिया। मतलब कुछ फंक्शन, मतलब बस सजना सवरना, बस सजना सवरना, मस्ती करना, खाना पीना। चलो उधर जाते हैं फटाफट से, देखते हैं उधर में क्या हो रहा है। बाबा, ए देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है, अभी अभी केक रखना बाकी है। जो सुबह गुलाब का फूल आया था उसी से मैंने थोड़ा सा सजाया हुआ है, और ये वाला बुके यहाँ पे रखा गया है, और पूरा हमारा घर चकाचक हो गया पूरा एकदम। पहले तो बहुत गंदा हो गया था एकदम, अभी कुछ सुनू सुनू हो गया। हमारा केक रखा है और यहाँ पे हमारा चिकन करी, बंगाली लोगों का स्पेशल नॉन वेज। और यहाँ पे हमारा पुलाव है जो कि वेज पुलाव है, और यहाँ पे हमारा चाउमीन अभी बनेगा, उसका प्रिपरेशन करके रखी हूँ। अभी मैं चाउमीन बना लूँगी, खुशबू आएगी तो हम दोनों मिलके बहुत सारा फ़ोटो खींचेंगे, इसलिए अभी मैं फटाफट से चाउमीन बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चाउमीन का सारा सब्जी वब्जी काट के रख लिया, आज एकदम सब कुछ रेडी हो गया, लास्ट ईयर को लेट हो गया था। और यहाँ पे हमारा क्रिसमस टीवी है, इसमें भी लाइट लगा देंगे अभी तो सुंदर हो जाएगा। एक प्यारी सी फ्रेंड खुशबू रानी जी आ गई है, और अभी हम लोग केक काटेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, मजे करेंगे अभी। फोटो से
क्वेश्चन होगा, यहाँ पे पोज लेके महारानी खड़ी है, लेकिन अभी फोटो नहीं हो रहा, अभी वीडियो हो रहा है। यहाँ पे हमारा रिंग लाइट जो है लग चुका है, हम लोग अभी बहुत सारा फोटो खींचने वाले है। अभी प्लीज रिव्यू दीजिए मेरा चाउमीन कैसे बना। खूब भालो, खूब भालो, टेस्टी, ठीक है। लेकिन कालो देख रहे हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो ये हमारी लक्ष्मी प्यारी सी मेरी फ्रेंड है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो इन्होंने मेरे लिए फेयर से गिफ्ट लगा, मालूम नहीं इसके अंदर क्या है, तो कल जब हम खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे। दोनों मेरे प्यारे हो ना, इसलिए दोनों को एक साथ खिलाऊंगी, ठीक है। ले का 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 मच्चा टेस्ट। थैंक यू। अब बता मेरे बनाओ क्या क्या था। ओहो कुछ नहीं भगवान, इतना मन कर रहा फिर मलाई रखा, मलाई लगा दो, ये क्या तोड़ रहे तुम लोग। देखो मैंने घर से केक बनाया ताकि मैं ठंडी में बच जाऊं, क्रीम ना लगे, फिर भी ये लोग मेरे को कैसे करके केक तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं, बताओ। वाह वाह वाह। अरे घर पे सही में आगे डाल देना, केक और बनाएंगे नहीं, तुम लोग छोड़ने वाले नहीं हो, क्या कर रहे। अब मेरा बर्थडे का केक कट गया। थैंक यू, तुम लोग आए मेरे बर्थडे पे, इसलिए ऐसे हर साल आओ और मेरा बर्थडे में मेरे साथ केक खाओ, ठीक है। चल। लक्ष्मी जी का गिफ्ट, इसमें है चाय का कप।